वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग, होप यू ऑल गुड। सो आज फिर मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज फिर मेरी आपी ने घर पे एक बड़ा अफ्तारी दावत किया है और सारा अफ्तारी का प्रिपरेशन क्या क्या बनाया है वो सब इस वीडियो में रहेगा। और अफ्तारी हम लोग मस्जिद और अपने नेबर्स लोग के लिए भी बनाए हैं। सो आप लोग सब इस वीडियो में देखते रहना। तो सबसे पहले ऑटो लिया आपी के घर जाने के लिए, मैंने ऑटो ले लिया था। तो अभी तक आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोस। हाँ, सो यहाँ पे आया तो आपी का घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। उनकी आपी और उनकी मदर इन लॉ अकेले अफ्तार का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे उनकी मदर इन लॉ बिरयानी बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं आते संग यहाँ पे वीडियो लिया। माशाल्लाह यहाँ पे मम्मी यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। हम लोग चाहते तो आपका होटल से भी बिरयानी मंगा लेते, बट अपना रोज़ा रख के अगर अपनी मेहनत से बिरयानी बनाकर मस्जिद में और अपने आसपास के नेबर्स लोग को देंगे, वो रमज़ान का बात अलग है, वो रौनक ही अलग है। सो हमारा ये सोच था। तो यहाँ पे आप ही बहुत यम्मी दही रायता बनाई थी, इसका रेसिपी मैं आप लोग को कभी दूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। यहाँ पे तो उन्होंने सैलड्स वगैरह कट करके रखा था, उसमें एक्स्ट्रा पोमीग्रेनेट ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे आप ही मसाला वगैरह लगा रही है, पेपर, रेड चिली पाउडर, आपका नमक की वगैरह वो आप ही ब्लैक नमक मतलब ब्लैक सॉल्ट डाली थी और यहाँ पर थोड़ा शुगर भी डाली थी। तो मैं तो ऐसा रायता खा ही नहीं थी, बट देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। तो यहाँ पे आप ही, ये उनका एक और था कि आप ही ने यहाँ पे मखाना डाला था, मखाना को रोस्ट कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे इस रायता में डाला था। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, मैं भी यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा आप ही का हेल्प कर रही थी यहाँ पे। और मैं तो टेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये था कि कैसा टेस्ट होगा इतना सारा चीज़ इसमें ऐड करके। बस अब अच्छे से इसे मिक्स कर रहे थे, आप लोग देख सकती हैं मैं थोड़ा सा आप ही का हेल्प कर रही थी। सो यहाँ पे हम लोग सब प्रिपेयर करके रख रहे थे क्योंकि आप ही ने नेबर्स को देना था और मस्जिद में भी भेजना था और अपने कुछ कज़न्स को भी बुलाए थे हम लोग ने। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। और आप लोग को पता है मेरी आप ही का दो बेटा और मेरा दो बेटा है, आप लोग को पता है जब ये लोग चार लोग मिल जाते हैं तो क्या होता है, टाइम नहीं मिलता हम लोग को इन लोग को पकड़ते पकड़ते, इसीलिए सारा चीज़ प्रिपेयर कर रहे थे। सो यहाँ पर मम्मी फ्रूट्स वगैरह पैक करी थी अफ्तार में देने, अफ्तार आपका मस्जिद में जाने के लिए और हमारे नेबर्स को जाने के लिए हमारे यहाँ पे अफ्तार को पैक कर रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा रायता को भी पैक कर रहे थे हम लोग क्योंकि अफ्तार पे हम लोग फ्रूट्स और बिरयानी और रायता और जूसेस पैक करके देंगे। सो ये देखिए माशाल्लाह हम लोग सब पैक करके यहाँ पर रखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग को भी देखिए, अब हमारा रमज़ान ख़त्म होने वाला है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, ये रमज़ान बहुत जल्दी चला गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को भी इसी तरीक़े से अपने आसपास के लोग और मस्जिद में या गरीब लोग को भी इस तरीके से अफ्तार दिए तो आप लोग का सवाब बहुत डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग बिरयानी प्रिपरेशन कर रहे थे, आप ही ने सब बना के रखा था, बस दम देने का यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे गोश्त और आलू हम लोग ने डाल लिया है देखिए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका फ्राई किया हुआ ओनियन डाला है हम लोग ने। माशाल्लाह अभी से बहुत ज़्यादा अच्छा खुशबू आ रहा था, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये थे कि कैसा बनेगा बिरयानी, आप ही अपने हाथों से सब बनाया था। तो यहाँ पे मावा वगैरह डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे आलू बखारा वगैरह डाल रहे थे हम लोग ने। बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। और यहाँ पे हम लोग ने कुछ कैश्यू डाले, काजू डाले, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट
और यहाँ पे इसे केवड़ा वाटर बोलता है, रोज़ वाटर, वो हम लोग डाले। और यहाँ पे ये स्पेशल बिरयानी मसाला है वो डाल दिया हम लोग ने। उसके बाद यहाँ पे दूध डाला, ये देखिए ये मिल्क है, थोड़ा ये डाले। उसके बाद यहाँ पे चावल्स वगैरह डाल दे रहे थे। तो देखिए कितना ज़्यादा, मुझे तो अभी से इसका स्मेल आने लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल आ रहा था। तो यहाँ पे चावल वगैरह डाल दिया हम लोग ने अच्छा से। उसके बाद यहाँ पे फ्राई किए हुए ऑनियंस डाले। उसके बाद यहाँ पे बिरयानी मसाला डाला। उसके बाद यहाँ पे ये फूड कलर है वो डाला हम लोग बिरयानी में, अच्छे से रंग आने के लिए ये फूड कलर हम लोग ने डाला। सो इसमें थोड़ा दूध भी रहता है, थोड़ा सा रोज़ वाटर रहता है और फूड कलर रहता है पानी के साथ। उसके बाद ये शायद आपका रोगन बोलता है इसे, ये शायद हमारा सालन से जो निकलता है वो रोगन डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बिरयानी में हमारा अच्छा से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे तर आए। तो उसके बाद हम लोग ने इसे दम में रख दिया। जब तक ये दम में होता है, यहाँ मेरा बेटा है बदमाशी करते हुए, सो उसे मैंने फ़ोन पे बिज़ी कर दिया। हाँ फ़ोन नहीं देना चाहिए बट क्या करें, इम्पॉसिबल होता है उसे रोकना। सो यहाँ पे वो खेल रहा था। तब तक हमारी बिरयानी यहाँ पे बन चुकी है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। ये आप लोग देखिए, हम सब बिरयानी भी पैक कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग सब डब्बा में डाल के दे रहे थे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था, और मतलब एकदम परफेक्ट, आप लोग को कैसे बताया, स्मेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत यम्मी था। सो यहाँ पे हम लोग पैक करके रख रहे थे, ये देखिए रमज़ान का। सो यहाँ पे हम लोग एक पैकेट में सब बना के रख रहे थे। सो जो भी इंसान को दे वो एक एक पैकेट उसको पूरा दे दे। तो ये मस्जिद जाने के लिए हम लोग पैक कर रहे थे, ये देखिए ये सब हम लोग मस्जिद के लिए भेज रहे थे। सो यहाँ पे मस्जिद के लिए हमारा अफ्तार चले गया, क्योंकि थोड़ा अजान के पहले देना पड़ता है। सो अफ्तार हमारा चले गया, और यहाँ पे जितना हमारा नेबर्स को देने के लिए हम लोग ने पैक कर लिया था। उसके बाद थोड़ा थक गए थे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा बैठ के चिल कर रहे थे। मम्मी आपी और मेरे प्यारे पापा हम लोग चिल कर रहे थे यहाँ पे। सो उतनी देर में मेरे कज़न्स लोग आ गए थे, एक और कज़न था वो आया नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना शूट लिया। माशाल्लाह से इफ्तारी की प्लेटिंग हमारी लग चुकी है। सो यहाँ पे रायता था, बिरयानी था, फ्रूट्स था, और लस्सी थी और खजूर थे। उसके बाद हो वो घड़ी आ गई, आओ बिरयानी खाए बिरयानी। सो यहाँ पे अजान हो गई थी, हम लोग सब इफ्तार खोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये वाला इंतज़ार मैं कर रही थी कि बिरयानी का एक बाइट लूँ और टेस्ट करूँ कैसा बनाया है आप ही ने। मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा यमी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुझे तो होटल्स वगैरह से ज़्यादा अच्छे लगे। सो ये अफ्तार के बाद का सीन है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी और थक गए थे, सबको यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, आप लोग देखिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग जज मत करना, हम लोग ऐसे ही पागल हैं। सो मैं व्लॉग को अपना एंड कर रही हूँ, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं लास्ट अपना भाई लोग को आप लोग को दिखाना चाहूंगी, ये मेरा छोटा भाई है, मतलब ये कजन है, अपना भाई नहीं है बट अपनों जैसा, बहुत अपनों से भी ज्यादा है। ये आयान है शामिर के साथ, अमाना ना, ये मेरा उससे भी छोटा भाई है अमान अली के साथ, ये है सबसे छोटा मोहम्मद शान और गट्टू, सब करो हाय करो। ये लोग वीडियो चैन से नहीं लेने देता, सो बाय। उसके बाद हम लोग अब अपना घर जा रहे थे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकॉन।